गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू, क्योंकि आप अच्छा खासा रिस्पांस दे रहे हो इस सीरीज को। और अभी रिसेंटली इस चैनल ने 400 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। और ये सब चीजें मुझे मोटिवेट करती है और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। आज का जो वीडियो है ये रिलेटेड है सिमिलर सर्किट से। अगर एक बार आप इनको ऐसे देखोगे कैजुअली तो आपको ये सिमिलर काइंड ऑफ लगेंगे, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है। इनमें से एक है व्हीटस्टोन ब्रिज और एक है नॉर्मल। हो सकता है ये व्हीटस्टोन हो, ये नॉर्मल हो, या ये व्हीटस्टोन हो, ये नॉर्मल हो। तो आप नीचे कमेंट करना कि आपको कौन सा व्हीटस्टोन लगा था, और वो बच्चे भी कमेंट जरूर करना जिनको लगा हो कि व्हीटस्टोन ये कब से हो गया। व्हीटस्टोन तो कुछ ऐसा होता है। कुछ ऐसा होता है ना व्हीटस्टोन ब्रिज, तो जिसमें एक दो तीन चार, R1, R2, R3, R4 और R5, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस होता है। व्हीटस्टोन इनमें से तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला जो सर्किट है ये एक नॉर्मल सर्किट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये जो दूसरा सर्किट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको समझाता हूं कि ये कैसे पैरेलल सर्किट हुआ। एग्जाम में आ जाता है तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। देखो यहां पर ये सिर्फ ब्लू वाले पे कंसिडर करो आप एक बार। अगर ये ब्लैक वाला जो लगा नहीं होता, सिर्फ ये ब्लू वाले होते, तो ये ब्लू वाले तीनों सीरीज में ही होते, इस बात में कोई शक नहीं है। मतलब अगर ये सिर्फ ऐसा होता तो ये तीनों सीरीज में ही है, लेकिन ये जो ब्लैक वाला मैंने लगा दिया, ये ब्लैक वाला है कनेक्टिंग वायर, मैंने लगाया है कनेक्टिंग वायर। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले वाली सीरीज में भी जो किए हैं, मतलब पहले वाले जो वीडियोस मैंने बनाए, उन सब में हम कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो ले रहे हैं। मैं इस सीरीज में ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा जब कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आपको जीरो नहीं लेना होगा, और वो कुछ स्टाइल से आपको दिया होगा कि किस तरीके से कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस आपको लेना है। तो यहां पर कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये जो ब्लैक कलर का वायर है कनेक्टिंग वायर है, और ये इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है दोबारा से। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, इसको सॉल्व करने का मेथड है, उसका नाम है पॉइंट मेथड। देखो ध्यान से समझना, क्या होता है कि ये कनेक्टिंग वायर इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया, मान लो ए बी तो है ही, इसका नाम दे दिया सी, यानी कि ये सी वाला पॉइंट भी ए से कनेक्टेड है। ऐसे ही मैंने एक और पॉइंट ले लिया बी, और ये बी पॉइंट से कनेक्टेड है डी। हो सकता है बाहर से आपको आवाज आए, आप यही फोकस करना, मैं बार बार तो वीडियो बंद नहीं कर सकता। तो यहां पर ये डी वाला जो पॉइंट है ये बी से कनेक्टेड है, और ये सी वाला पॉइंट है ऐसे कनेक्टेड है। तो जो पॉइंट मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो सभी पॉइंट जो एक साथ कनेक्टेड है उनको एक साथ दिखते हैं। देखो जैसे ये ए वाला पॉइंट, ए वाले पॉइंट से आप चले, और मतलब एक और चीज ध्यान से समझना, इस पॉइंट मेथड को करने के लिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यहां अप्लीकेबल नहीं होगा, ये यहीं अप्लीकेबल होगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कहां अप्लीकेबल होगा, जहां सिर्फ कनेक्टिंग वायर हो या जहां रेजिस्टेंस नहीं लगा हो वहीं एप्लीकेबल करना है। देखो यहां पर भी मैं लिखने को तो पॉइंट लिख सकता हूं सी, लेकिन ये सी पॉइंट ए से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि बीच में आ गया रेजिस्टेंस। हमें वही पॉइंट लेना है जहां कोई रेजिस्टेंस नहीं हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है मान लो बी, और इसको कनेक्ट करता हूं ऐसे, ये कनेक्टिंग वायर से। एक और पॉइंट मैंने लिया सी ले लेता हूं, और यहां पर लिया रेजिस्टेंस। तो यहां पर ए और बी आपस में लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, लेकिन ए और सी को साथ में इस तरीके से नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों के बीच में रेजिस्टेंस है। यहां पर भी कुछ ऐसा है, ए और सी साथ में लिख सकते हो, लेकिन यहां अगर मैं सी लिखता तो उसको नहीं लिख पाते। तो जैसा मैंने बताया, ए और सी को मैं साथ में लिख सकता हूं, इस ब्लैक वाले रास्ते से होकर सी तक मैं जा सकता हूं। जब मैं सी पर पहुंचा तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके यहां नहीं जा सकता, और इसी सी वाले से मैं डी तक नहीं पहुंच सकता, बीच में फिर से रेजिस्टेंस आ रहा है। तो मैंने ए और सी को साथ लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी से मैं घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए डी तक पहुंच सकता हूं। इस डी पर पहुंचने के बाद ना तो मैं ए तक जा सकता हूं ना सी तक जा सकता हूं, क्योंकि दोनों के बीच में आ रहा है रेजिस्टेंस। तो बी और डी को मैंने लिख लिया साथ में। अब हमें उन रेजिस्टेंसेस को लिखना है जो इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है। बस सॉल्व हो गया, ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रहा ए, ये रहा डी, ये कनेक्ट कर लिया मैंने एक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ा, डी और सी के बीच में, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये रहा डी, ये रहा सी, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन सा लिखा है बाद में कौन सा लिखा है, रेजिस्टेंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सी और बी के बीच में फिर से एक रेजिस्टेंस है, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है।
इस टाइप के क्वेश्चंस मैं और भी कराऊंगा जो इसी पर बेस्ड होंगे। अभी तो बस ये समझ लो कि एक साथ जो पॉइंट थे उनको एक साथ लिखा फिर कनेक्ट कर दे गए, ये तीनों कैसे हो गए पैरेलल में हो गए, यानी कि आर बाय थ्री। अभी कैसे हो रहा है ये आप पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा कि सिमिलर जब होता है तो डिवाइड कर देते हैं एन का। तो ये अजीब सा दिखने वाला सर्किट सिर्फ और सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो ये सच में व्हीटस्टोन ब्रिज है जहां पर यहां से करंट आएगी और डाइवर्ट होते हुए ऐसे जाएगी, यहां पर जाएगी, यहां मान लो ये आई आ रही है तो यहां पर जाएगी आई वन, यहां पर जाएगी आई टू, फिर वो देखा जाएगा कि अगर यहां का वोल्टेज सेम है तो वोल्टेज डिफरेंस जीरो होने की वजह से आर फाइव में करंट जो है वो जीरो होगी और उस केस में आप आर फाइव को हटा सकते हो, फिर ऐसा जाएगा सीरीज बन जाएगा। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये रहा पॉइंट, मान लो ये है पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट है बी, देखो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बी, इस आर को और इस आर को मैं थोड़ा सा ऐसे खींचू तो ये वाला आर और ये वाला आर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो लिखना स्टार्ट करता हूं मैं, ब्लू पेन तो है ही हाथ में, ये रहा आर वन और ये रहा आर फोर, ये आ जाएंगे बाहर, ये आ जाएंगे बाहर खींच के, और ऐसे ही मैं इसको इस वाले को आर थ्री को खींचूंगा तो आर टू ऊपर जाएगा आर थ्री नीचे आएगा, बचेगा अंदर सिर्फ और सिर्फ आर फाइव। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, यहां पर भी आर वन अपॉन आर फोर इक्वल्स टू आर टू बाय आर थ्री अगर हुआ तो आप आर फाइव को रिमूव कर सकते हो, और रिमूव करने के बाद सर्किट कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये रहा आर फोर और नीचे गया आर थ्री, जानकर के मैं इसी तरीके से बना रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, सिंपल भी बन सकता है, ये इस तरीके से बन गया, ये रहा R4, R1, R2 और R3, R1, R2 सीरीज में, R4, R3 सीरीज में, दोनों मिलके एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब ऊपर भी बनेगा एक रेजिस्टेंस जो कि मिक्सचर होगा R1 एंड R2 का, मतलब R1 प्लस R2 ही लिख देता हूं, सीरीज है ना, R1 प्लस R2, नीचे बनेगा एक और रेजिस्टेंस दोनों का मिक्सचर होके R3 प्लस R4, अब ये कैसे हो जाएंगे पैरेलल में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं आता तो कमेंट करना, मैं और भी लेक्चर्स ऐसे बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।